हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौरव आईएएस। तो आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये एडिटोरियल का एक पार्ट, एक कॉमन पार्ट है आप एडिटोरियल्स में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स देख सकते हैं। तो एक डिस्कस करते हैं, एक जनरल डिस्कशन कि एक्चुअली सेडिशन लॉ था क्या। कई बार सरकास्म में ये भी कहते हैं कि जो कल का डिफेमेशन वाला जो लॉ था हमारा, आज उसका आपका तो अपग्रेडेशन हो गई, एक नया वर्जन आया है, अपडेटेड वर्जन, दैट इज द सेडिशन लॉ। पहले लोग मानहानि का केस करते थे और अब सेडिशन, इट्स जस्ट सरकैज्म, बट आइए समझते हैं सेडिशन लॉ एक्चुअली काम क्या करता है। ओके, सो सेडिशन इज लाइक अ क्राइम। सेडिशन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इट्स लाइक देशद्रोह, सॉरी राजद्रोह। ओके, आपने क्या किया है, धोखा दिया है, इट्स लाइक दैट। और ये क्राइम है अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। तो ये एक्चुअली सेक्शन अलॉट है, ये सेक्शन किस में, दिस इज द सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। डिफाइन करता है कि कोई भी पर्सन हो, ओके, अगर वो इन ईदर ऑफ द वे, चाहे वो पर्सन वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटर्न में या फिर किसी विजुअल्स के थ्रू, ओके, अगर वो किसी भी वे में ऐसी कोशिश करते हैं, इससे क्या हेटेड फील हो या कंटेम्प्ट फील हो या एक्साइट करे लोगों को, ओवरऑल क्या है, इससे क्या हो, डिसअफेक्शन, मतलब जो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को खड़ा करे, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काए लोगों को, दैट इज द सेडिशन एज पर द लॉ ऑफ इंडिया। ओके, जहाँ पे डिसअफेक्शन हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इस चीज को जब कोई ट्राई करता है, जब इस टाइप का एक्ट करता है, तो दैट इज सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जिसको आप राजद्रोह भी कह सकते हैं। ओके, बेसिकली इट मीन्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिनिटी। ओके, ये फीलिंग्स इसके रिगार्डिंग होंगी, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, सो दैट इज सेडिशन। ओके, आजकल ये बड़ा प्रोमिनेंट है, जैसे कि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस टाइम कुछ लोगों को अरेस्ट किया था तो सेडिशन के लिए, या कुछ जर्नलिस्ट, आजकल आप सुनते होंगे जर्नलिस्ट के बारे में भी, तो उनको भी छोड़ दिया गया। तो लाइक दैट इज ऑल, यहाँ से ये मुद्दा गरमाया है जो रिसेंटली एक जर्नलिस्ट के साथ जो उसे जो घटना घटी अंडर दिस लॉ। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर पनिशमेंट क्या है एक्चुअली, कि जो सेडिशन है दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल मतलब इसमें आपको कोई बेल नहीं मिलेगी, आपको जो पनिशमेंट होनी होगी, जो जेल होनी होगी अगर इम्प्रिजनमेंट, तो वो होकर ही रहेगी। ओके, और इम्प्रिजनमेंट की जो टर्म्स है वो क्या है, ये अप टू 3 ईयर्स या फिर लाइफ टाइम तक हो सकती है। अब 3 ईयर से लेके लाइफ टाइम तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड ये किसके अंडर है, ये इस लॉ के अंडर में ऐसा प्रोविजन है। ओके, और इसके साथ ही जो पर्सन होता है उसको उसको कभी भी गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ क्या होता है, पर्सन को जो होता है रहना पड़ता है विदाउट पासपोर्ट, इसका मतलब वो देश छोड़ के भी नहीं जा सकता, और जब भी उसकी नीड होती है तो उसको कहाँ पे प्रेजेंट होना होता है, उसको प्रेजेंट होना होता है कोर्ट में। ओके, जब भी उसको बुलाया जाता है, जब भी उसकी नीड पड़ती है। सो दिस इज यू कैन से द पनिशमेंट, आप कह सकते हैं अगर आप सेडिशन का चार्ज होता है आपके ऊपर। तो ना देखो, आर्ग्यूमेंट है कि सेडिशन लॉ जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि देखिए जो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हो गए, या जो सेशनिस्ट हो गए, या टेररिस्ट एलिमेंट हो गए, इनके लिए ये एक एप्ट, एक परफेक्ट क्या है, एक प्रोविजन है पनिश करने का। ओके, इसके अलावा क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने ने सेलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट प्रॉपरली स्टेबल वे में काम कर सके। ओके, विदाउट एनी वॉयलेंस। ओके, ऐसा हो कि किसी वॉयलेंस या फिर किसी लीगल वे में उस गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की जाए। म्यांमार में आपने देखा ना, तख्ता पलट वगैरह हो गया, तो ऐसा ना हो इस टाइप की सिचुएशन, गवर्नमेंट स्टेबल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो इसलिए भी ये जो प्रोविजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेडिशन का लॉ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब हम कई बार कोर्ट की बात नहीं मानते, तो वहां पे क्या है, कोर्ट पनिश कर सकता है, राइट, उनके पास प्रोविजन है। तो ये एक एक और फेवरेबल आर्ग्यूमेंट है इस लॉ के, कि फिर जब गवर्नमेंट का कंटेम्प्ट होता है, जब गवर्नमेंट की बात नहीं मानते, तो उसके लिए भी तो कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए ना। तो ये भी एक फेवरेबल, एक आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी माओस्ट इंसर्जेंसी या फिर रेबल ग्रुप वगैरह हैं, जो जो वहाँ पे वर्क करते हैं पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह। जैसे अफगानिस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है ना आजकल, तालिबान की, और कौन है वहाँ के, वो
गिलानी करके शायद कोई है जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, एक तालिबान वाली जो नॉन इलेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, एंड अनदर इज बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, जो आई थिंक अशरफ गिलानी नाम है उनका, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहां के। इस टाइप की पैरेलल गवर्नमेंट इंडिया में भी कहीं कहीं पे देखी जाती है, माओस्ट वाले एरियाज में या फिर रेबल ग्रुप्स कहीं ना कहीं इस टाइप का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए भी ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो क्या है कि अगर ये लॉ जो है अगर इसको हटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो इस लॉ के अंडर, इस सेक्शन के अंडर पर्टिकुलरली सेडिशन लॉ के बहुत सारे हाई प्रोफाइल या हाई पब्लिसाइज्ड केसेस में क्या किए, जजमेंट या वर्डिक्ट आए हुए हैं। अगर आपने इसको नल एंड वॉइड कर दिया तो आपको लगता नहीं दोबारा से वो क्वेश्चन या डिमांड खड़ी हो जाएगी जिन लोगों के साथ, मतलब जो पनिशमेंट जैसे एक्ट हुए हो या जो वर्डिक्ट के लिए लोग दोबारा से वो उन केसेस को लेकर आएंगे कि इनको भी दोबारा से इन पर वर्डिक्ट मिले। तो इस टाइप की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट से जो फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, आपके सेडिशन के जो लॉ है अंडर सेक्शन 124A। ये सेक्शन कौन से इसका है आप बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है या इंडियन पिनल कोड का? यस ऑफ कोर्स, ये इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ देखो इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट है, लोग कहते हैं कि नहीं कि इस लॉ की नीड भी नहीं है हमें। अब क्यों नीड नहीं है, लोग ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि नहीं हमें ये सेडिशन का सेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो सेक्शन है दैट इज जस्ट फॉर रिलिक ऑफ कॉलोनी कॉलोनियल लेगेसी, ये बनाया ही गया था कॉलोनी वाली लेगेसी को आगे करने के लिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए अनहेल्दी है। ओके, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है और एक्सप्रेशन देती है, ये लॉ आपको इस चीजों में बैर करता है, राइट, आपको रोकता है इन सब चीजों में। इसके अलावा कि जो राइट टू क्वेश्चन है और क्रिटिसाइज करना, इट इज लाइक वेरी फंडामेंटल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो आप इसको बाय द नेम ऑफ सेडिशन और बाय दिस सेक्शन प्रोविजन यू यू कैन नॉट स्टॉप पीपल टू क्वेश्चन और क्रिटिसाइज और इवन चेंज द रूलर्स। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल्स आर सुप्रीम, आई मीन पीपल आर सुप्रीम। और ऐसा भी एक आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट की जो लॉ है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडियंस को ऑप्रेस करने के लिए, और आज इंडिया इंडिया ब्रिटिश के अंडर थोड़ी ना है, कोई कॉलोनी थोड़ी ना है, एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर भी अगेन सूट नहीं करता इंडिया जैसे डेमोक्रेसी को। एक और बात कहते हैं कि जो ये टर्म यूज हुई इसके अंदर डिसअफेक्शन, ओके, ये जो है वेग और जो सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। इसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं इसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो इसको भी प्रॉपरली मतलब वेल डिफाइंड नहीं है ये टर्म भी। इसके अलावा आईपीसी या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 ऑलरेडी है हमारे पास, ऐसे प्रोविजंस हमारे पास ऑलरेडी हैं जो मतलब सफिशियंट है अगर आपको नेशनल इंटीग्रिटी को सेव करना है। बात हो रही थी ना कि माओस्ट जैसे एरियाज हो गए या बहुत सारी जगह है जहां पे ये लॉ क्या करता है टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं तो उन सब से रोक के या फिर प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी कंट्री को, राइट। तो इसकी नीड नहीं है क्योंकि इसको करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी की अदर प्रोविजंस है या अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला जो ये आपका एक्ट है ये हेल्पफुल होगा। ओके, इसके अलावा आप देखिए जो सेडिशन लॉ है ये मिसयूज किया जा सकता है पॉलिटिकल लोगों द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा, अगर कोई पॉलिटिकल डिसेंट रखता है, राइट, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो इसलिए भी ये एक हार्मफुल प्रोविजन है, तो इसको नहीं रहना चाहिए। ओके, सो दीज आर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सेक्शन 124A ऑफ सेडिशन लॉ। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखिए वे फॉरवर्ड मीन्स कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम जो होती है, आई मीन सॉरी राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत एसेंशियल है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का, इसीलिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप रोक नहीं सकते इन चीजों को, राइट, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। जो सेक्शन है इसका प्रॉपर मिसयूज भी नहीं होना चाहिए अपने हिसाब से, तो इधर पे भी हमें सोचना होगा थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में भी। जो हायर जुडिशरी है उसको अपनी अपनी सुपरवाइजरी पावर जो यूज करते हैं वो, राइट, ये उन तो उनको जो अब हायर जुडिशरी में आते कौन है, मजिस्ट्रेट आते हैं या फिर पुलिस आती है, राइट, तो मजिस्ट्रेट हो गए जो पुलिस होगी,
जो मजिस्ट्रेट या जो पुलिस होगी वो उनको उनके जो उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली भी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसको, जो फ्री स्पीच या जो एक्सप्रेशन के जो राइट्स हैं लोगों के, उनको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि उनको जो हमारी हायर जुडिशरी है, जो 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 सुपरवाइजरी पावर्स है हमारी, उसके अलावा जो डेफिनेशन ऑफ सेडिशन है इसको ना नैरो डाउन करना चाहिए, मतलब प्रसाइज करना चाहिए कि सेडिशन का मतलब होना चाहिए हमेशा कब यूज करेंगे आप इस वर्ड को, जब आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बात हो रही हो, कि आपकी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर मतलब खतरा हो, या फिर जो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया कंट्री है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे, तो आप इस वर्ड को यूज कर पाए, नॉट इन अदर कॉन्टेक्स्ट की कोई गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से हैप्पी नहीं है तो सेडिशन लॉ इट्स नॉट गुड इवन. ओके, एंड द वर्ड सेडिशन इज एक्सट्रीमली न्यूमेंस्ड एंड नीड्स टू बी अप्लाइड विद कॉशन, और जो ये वर्ड है इसको बड़े प्रिकॉशंस के साथ यूज करना चाहिए. ओके, और बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, बिकॉज आप डायरेक्टली किसी को कह रहे हो कि वो राजद्रोही है, राइट? तो ये वर्ड अपने आप में ही एक बहुत मतलब सुप्रीम वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब यूज बहुत ही सोच समझ के विद प्रॉपर डिस्क्रिशन के साथ होना चाहिए. सो थैंक यू सो मच, ये था हमारा सेडिशन लॉ के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन. आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग. हैव अ ग्रेट टाइम.